हेलो, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातु। कौन साहब, कहाँ से? अल्लाह अकबर। सैयद अबर अजहर अब्बास साहब, बड़े अरसा बाद। ये सैयद जमीर जाफरी के गांव वाले वही है ना? जी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जी मेरी जान, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे अच्छा माइंड में ये था कि शायद मैं उसको बाजरा डाल रहा हूँ, चिट्टे भी उसमें होते हैं, वो काटने जब वो काटते हैं हाँ, लोग, वो गले तो में। उसकी हाँ वजह से शायद हो। हाँ तो मैंने कहा चले आपसे मशवरा ले लूँ, अगर कोई दवाई वगैरह अगर कोई नहीं, जैसे अगर खाद। वो वाकई वो सिट्टे जो होते हैं, जब ये खुश्क सिट्टे खास तौर पे वो गले को लगते हैं, वो उसको अवॉइड करें, वो गले को लगते हैं, गले में जाके और गले को वो खांसी वो भी कर देते हैं इसमें, लेकिन अल्लाह रहम करेगा। और उसको थोड़ी सी तेल दें, उसको तेल दे दें, और ताकि उसका गला ज़रा थोड़ा सा वो सेट हो जाए। और उसके बाद सेलाइन एलेक्सरी तो आपने बना रखी है ना? नहीं, वो तो सरसों का तेल तो दे देना, आधा किलो इसको वैसे दे दें। हफ्ते में दो दफ़ा तेल दे दिया करें, दो दफ़ा, दो दिन, हफ्ते में दो दफ़ा तेल इसको 400 ml मैं रिकमेंड करता हूँ गाय के लिए। तो गाय है नहीं ये? हाँ, तो गाय को 400 ml तक आप दे दें, इसको तेल दे दें, और सेलाइन एलेक्चुरी वो मेरी जान आप बना लें। सेलाइन एलेक्चुरी वो मेरा फार्मूला देखेंगे, वो कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बड़ी आम सी चीज़ें हैं उसमें, आप देखेंगे तो वो आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सेलाइन एलेक्चुरी याद रहेगा? हाँ, सेलाइन एलेक्चुरी आप देखेंगे फार्मूला, और उसमें वो मलट्ठी, अलसी और सौंफ वगैरह वो दी है मैंने, अगर कहें तो मैं आपको उसका फार्मूला, लेकिन इतनी दफ़ा दे चुका हूँ, आप देखेंगे सेलाइन एलेक्चरी, ठीक है, तो उसी वक्त आपको मिल जाएगा। लेकिन ना, हो सकता है कि कई लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती ना ये देखने की, तो वो उनके लिए मैं कहते हैं तो लिखवा देता हूँ। हाँ, मेरी जान ये नहीं, सुने मेरी यार, सुन लें, ये जो मलट्ठी है ये आजकल पाउडर फॉर्म में भी मिल रही है बहुत सारे पंसारियों के पास, और मैं बल्कि गया हूँ यहाँ चीमा चट्ठा स्टोर है उनके पास, मैंने यही सिलाइन लेक्चरी के लिए अलसी लेनी थी, मलट्ठी लेनी थी, नौशादर लेनी थी और गुड़, ये सारी चारों चीज़ें मुझे मिल गई थी। तो आप अलसी ले लें ना 250 ग्राम, ये फार्मूला दे ही देता हूँ सिलाइन लेक्चरी का, ये अलसी ले लें 250 ग्राम और मलट्ठी ले लें 125 ग्राम, वो पाउडर फॉर्म में ले लें, या नहीं है जिसके वो बड़ी सख्त होती है वाकई, अगर उसको ग्राइंडर में करेंगे तो, या पहले उसको कूट लें और उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। और नौशादर तो वैसे ही वो आम मिलेगी, वो 50 ग्राम वो डाल लें, और गुड़, गुड़ को आप जिस तरह मर्जी है तोड़ लें, ठीक है, फिर उनको ये सारी चीज़ें मिक्स करके बड़ी बेहतरीन किस्म की एक उनके चाटने के लिए बन जाएगी, और इसको रोज़ाना आप चटाएं जब तक ये खांसती है, इसकी खांसी बिल्कुल सिलाइन लेक्चरी से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और 100 ग्राम 200 ग्राम दे दिया करें डेली। हाँ, 100 ग्राम जी, एक मिनट, एक सेकंड मेरी जान, ये टॉपिक चूंकि खांसी का था ना,
तो ये मैं सेव कर लूँ।